उत्तराखंड में अरबों की शत्रु संपत्ति को सरकार में विलय करने की तैयारी जोर शोर से चल रही है। केंद्र सरकार की तरफ से राज्य को सौंपी गई सूची में 69 शत्रु संपत्तियों का ब्यौरा राज्य को दिया गया है, जिनकी बाजार की कीमत अरबों रुपए है। उत्तराखंड शासन की अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने कहा कि बंटवारे के समय जो लोग भारत छोड़कर पाकिस्तान चले गए थे, उनकी संपत्ति को शत्रु संपत्ति माना गया है और अब ऐसी संपत्तियों को केंद्र ने आदेश के बाद उन्हें सरकार में विलय करने की तैयारी शुरू कर दी। शत्रु संपत्ति का विषय भारत सरकार का है। भारत जो भी लोग 1947 में भारत छोड़ के पाकिस्तान चले गए थे, उनकी जो संपत्ति बची हुई थी वो भारत सरकार ने उसको शत्रु संपत्ति डिक्लेयर किया है। उसको वेस्ट करने के लिए बहुत तेजी से कार्रवाई चल रही है। और हमारे सहयोगी विनोद जुड़ गए। विनोद, अगर हम शत्रु संपत्तियों की बात करें तो ये कितनी बड़ी इनकी संख्या है चिन्हित की गई है जो, और क्या कार्रवाई आगे बढ़ रही है? बिल्कुल, देखिए उत्तराखंड शासन के स्तर पर शत्रु संपत्ति को लेकर कार्रवाई की जा रही है और अभी फिलहाल करीब पूरे उत्तराखंड की बात करें तो पूरे उत्तराखंड में 69 ऐसी शत्रु संपत्ति है जिसको लेकर पूरी तरह शासन के अधिकारी फीडबैक ले रहे हैं और ये अरबों की शत्रु संपत्ति है। और चाहे हरिद्वार हो, नैनीताल हो, उधम सिंह नगरिया यानी मैदानी जो बड़े जनपद है, उनसे तमाम डिटेल शासन के अधिकारियों के माध्यम से मांगी गई है कि आखिरकार कौन कौन सी संपत्ति ऐसी है जो शत्रु संपत्ति की श्रेणी में आती है। पूरे उत्तराखंड में 69 शत्रु संपत्ति है और जो भारत छोड़कर पाकिस्तान जो व्यक्ति चले गए थे उनकी संपत्तियां इस समय उत्तराखंड में है या फिर अलग अलग वो राज्यों में है, लेकिन इतना है कि 69 संपत्ति ऐसी है उत्तराखंड में जो शत्रु संपत्ति के नाम से प्रशासन ने चिन्हित की है, जिस पर कार्रवाई की जा रही है और जल्द ही आने वाले दिनों में इन शत्रु संपत्तियों को सरकार में विलय कर दिया जाएगा और पूरी तरह से जितने भी अलग अलग जनपद है सभी जनपदों के जिलाधिकारियों को तमाम डिटेल देने के लिए कहा गया है कि जितनी भी संपत्ति है उनका ब्यौरा। बिल्कुल, और ये कार्रवाई आगे बढ़ रही है। शुक्रिया विनोद आपका जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। तो देखिए, आपने देखा किस तरीके से ये पूरा मामला कोर्ट में पहुंचा है। बड़ी खबर देहरादून से है जहां पर उत्तराखंड में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। 24 आईपीएल और एक पीसीएस अफसर का तबादला हुआ। 3 जिलों के जिलाधिकारी भी बदले गए हैं। विनय शंकर पांडे को सीएम का सचिव बना दिया गया है और विनय शंकर के साथ सीएम सचिव के साथ एमएसएमई और निवेश आयुक्त की भी उन्हें जिम्मेदारी दी गई है। तो बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ उत्तराखंड में। 24 आईपीएस और एक पीसीएस अफसर का तबादला हुआ है। 3 जिलों के जिलाधिकारी भी बदल दिए गए हैं। तो विनय शंकर पांडे को सीएम का सचिव बना दिया गया है और विनय शंकर के पास सीएम सचिव के साथ ही साथ एमएसएमई और निवेश आयुक्त की भी जिम्मेदारी रहेगी। तो काफी बड़ा कद उनका हुआ है और बड़े प्रशासनिक फेरबदल के बीच 24 आईपीएस और एक पीसीएस अफसर का तबादला हुआ है। तो 3 जिलों के डीएम बदले गए हैं। वहीं विनय शंकर पांडे को अब सीएम का सचिव बनाया गया है। सीएम के सचिव के साथ ही साथ विनय शंकर पांडे के पास एमएसएमई के सचिव रहेंगे और निवेश आयुक्त की जिम्मेदारी भी उनकी रहेगी। तो उत्तराखंड में बड़ा तबादला हुआ है। विनय शंकर पांडे सीएम के सचिव बनाए गए हैं और सीएम सचिव के साथ ही साथ एमएसएमई और निवेश आयुक्त की जिम्मेदारी भी उनके पास रहेगी। उधर उत्तरकाशी में 4 धाम यात्रा पर आने वाले तीर्थयात्रियों का परीक्षण 2 जगह पर किया जा रहा है। यात्रा के पहले पड़ाव यमुनोत्री धाम में जाने वाले यात्रियों का बड़कोट में स्वास्थ्य परीक्षण हो रहा है। वही दूसरा पड़ाव गंगोत्री धाम उत्तरकाशी से 8 किलोमीटर आगे हिना के पास गंगोत्री जाने वाले यात्रियों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से दोनों धामों में अभी तक 1,32,346 यात्रियों के स्वास्थ्य की जांच की गई है। एएसआई की स्टडी में तुंगनाथ धाम को लेकर चौंकाने वाली बात सामने आई है। बताया जा रहा है कि तुंगनाथ मंदिर में मूर्तियों और छोटे स्ट्रक्चर में 10 डिग्री तक का झुकाव आया है। यही वजह है कि तुंगनाथ मंदिर को बचाने के लिए एएसआई ने राज्य सरकार को सुझाव दिया। तुंगनाथ मंदिर, जो भगवान शंकर का सबसे ऊंचाई पर स्थित मंदिर है। तुंगनाथ मंदिर को लेकर देश भर के करोड़ों अनुयायियों के मन में अलग ही आस्था है। खबर है कि दुनिया का सबसे ऊंचा शिव मंदिर तुंगनाथ 6 से 10 डिग्री तक झुक गया है।
आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की एक स्टडी में ये बात सामने आई है, जिसके बारे में राज्य सरकार को भी बताया जा चुका है। तुंगनाथ मंदिर को बचाने के लिए एएसआई ने राज्य सरकार को सुझाव दिया है, जिसमें स्मारक को संरक्षित स्मारक के रूप में शामिल करने का सुझाव दिया गया है। हालांकि मंदिर समिति ने इस पर आपत्ति जाहिर की है। देखिए, एएसआई द्वारा तुंगनाथ मंदिर को अपने संरक्षण में लेने के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है और साथ ही आपत्तियां भी मांगी गई हैं। मैं आपके संज्ञान में लाना चाहूँगा कि जब पूर्व में एएसआई द्वारा हमारे साथ में पत्राचार किया गया था, तो उसके पश्चात हमने अपनी बोर्ड बैठक में इस प्रस्ताव पर चर्चा की थी, व्यापक विचार विमर्श किया था, साथ ही जो स्थानीय हक हकूकधारी हैं, तीर्थ पुरोहित हैं, उनसे भी बातचीत की थी, लेकिन सभी स्तरों पर इस प्रस्ताव के विरुद्ध असहमति प्रकट की गई और हम शीघ्र ही इस संदर्भ में अपनी असहमति आपत्ति एएसआई को प्रेषित कर देंगे। स्टडी में सामने आया है कि तुंगनाथ मंदिर के अंदर मूर्तियों और छोटे स्ट्रक्चर्स में 10 डिग्री तक का झुकाव देखा गया है। अगर तुंगनाथ मंदिर एएसआई के संरक्षण में आ जाता है, तो सबसे पहले मंदिर में झुकाव और नुकसान के कारण का पता लगाने की कोशिश की जाएगी। एबीपी गंगा के लिए रुद्रप्रयाग से रोहित डिमरी की रिपोर्ट। उत्तराखंड में अटल उत्कृष्ट स्कूलों में खराब प्रदर्शन ने शिक्षा विभाग की पोल खोल कर रख दी है। हाई स्कूल के 8,499 छात्रों में से केवल 5,141 बच्चे पास हो पाए, जबकि इंटरमीडिएट के कुल 12,534 छात्रों में 6,454 छात्र ही पास हो सके। तो प्रदेश में सबसे बुरा प्रदर्शन हरिद्वार जिले का रहा। वहां प्रदेश की राजधानी देहरादून में भी नतीजा कुछ ऐसा रहा। दरअसल प्रदेश में पुराने स्कूलों को अटल उत्कृष्ट विद्यालय का नाम देकर सीबीएसई बोर्ड से जोड़ा गया था। ऐसे में हिंदी माध्यम से पढ़ाई कर रहे छात्रों को अचानक पढ़ाई अंग्रेजी में करनी पड़ी, जिससे उनकी कठिनाई और बढ़ गई। लेकिन शिक्षा विभाग ने स्कूलों का नाम बदलकर इन्हें इनके हाल पर ही छोड़ दिया। हालांकि अब शिक्षा मंत्री को इन स्कूलों में 100% शिक्षकों की तैनाती की याद आई। % बच्चे ऐसे जो एक विषय में फेल हो, तो उनको जो है इस बार कंपार्टमेंट देने की जो है अनुमति भारत सरकार ने दी है, वो सभी जगह पे दी होते हैं। और मुझे लगता है कि धीरे धीरे जब बच्चों को एक आदत पड़ जाए कि उनको पेपर कैसे देने हैं, क्या क्या वहाँ पे, हम वहाँ 100% टीचर देने का भी एक निर्णय हुआ है कि वहाँ टीचर भी दे दिए। और मुझे लगता है कि धीरे धीरे वहाँ का रिजल्ट अच्छा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।